देखिए, जिस तरीके से नक्सलियों ने कल एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें जिक्र किया था कि पामेड़ इलाके में बुत्तालंका और पालागुड़म के पास एयर स्ट्राइक की गई है, उसी मामले की तफ्तीश के लिए आज हम निकले हुए थे सुबह से। उस इलाके पे हमने कूच किया, उस इलाके की सर्चिंग की और वहाँ से ग्रामीणों से भी बात की हमने। तो ये चीज़ वहाँ पर हमने देखा, जो उसके बारूदी विस्फोट थे, जो ड्रोन हमले या एयर स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ पर किए गए थे, तो उस जगह की तफ्तीश में हमें ये पाया गया कि उसके जो अवशेष हमें वहाँ मिले और जो बारूद वहाँ विस्फोट हुए थे उसकी भी फुटेज वहाँ से हमने निकाली। और उसके बाद माओवादी संगठन के साथ हमारी मुलाकात हुई और इस वक्त हम माओवादी संगठन के साथ हैं और इस वक्त हम दक्षिण डीकेएसजेटसी मेंबर है विकास, उनके साथ इस वक्त हम खास बातचीत के लिए बने हुए कि किस तरीके से ये एयर स्ट्राइक रहा। तो विकास जी, ये बताएंगे कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की बात आप लोगों ने पर्चे के जरिए माध्यम से जारी किया था, पर्चा की कि इस इलाके में स्ट्राइक हुई है एयर स्ट्राइक, तो क्या सच्चाई है इसमें? तो इसी अप्रैल महीने में 19 तारीख तड़के 3:30 बजे पामेड़ थाना के अंतर्गत बुत्तालंका और पालागुड़ा के बीच जंगल में, जो हमारे पुराने ठिकाने था, उसी के ऊपर ड्रोन हमला किया गया था। जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेस नोट जारी किया था और उसमें ये लिखा था कि जिस तरीके से वहाँ पर जब ड्रोन से हमला हुआ सुबह 3 बजे, उस वक्त क्या आपकी माओवादियों की संगठन वहाँ पर थी या नहीं थी? क्योंकि आप लोगों ने प्रेस के माध्यम से उसकी में प्रेस नोट के माध्यम से जो लिखा था कि आपकी जो संगठन की टीम है वो दूसरे जगह चली गई थी और आप लोगों का कोई नुकसान, इस बात पे क्या सच्चाई है विकास जी? सच्चाई तो उस ठिकाने पर हमारा दस्तक कोई भी नहीं थे, हम पहले ही वहाँ से निकले हैं और हमको ऐसी रिपोर्ट भी पहले से था, हमारा सतर्क से ही हम वहाँ से पहले ही निकल चुके थे और बाद में 19 तारीख को हमला हुआ। लगातार वहाँ पर उस इलाके में ड्रोन घूम रहा था और एक सवाल है कि जिस तरीके से जो ड्रोन घूम रहा था उसको आप लोगों ने मार गिराया और उसको आप लोगों ने जब्त कर ली, उस ड्रोन को आप लोगों ने पाया कब? उस ड्रोन को आप लोगों ने मार गिराया था और किस वक्त उसकी बरामदगी हुई थी और क्या क्या मिल पाए थे उसके साथ में आपको, उसके अवशेष? 19 तारीख तो 3:30 बजे हमला हुआ और उसी दिन हमने उसी अगल बगल इलाके में उन ड्रोनों को, मतलब ठोई को गिराए गए, 3 ठोइयों को। तो जिस तरीके से लगातार आप लोग 3 बार हम देख चुके हैं कि अभी अभी हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से प्रेस नोट जारी किए थे उसमें आप लोगों ने लिखा था कि सरकार अगर प्रेस वार्ता के लिए तैयार होती है तो हम वार्ता करने के लिए तैयार है, क्या आप तैयार है सरकार से बातचीत के लिए? बिल्कुल, तो हमारा पार्टी, हमारा क्रांतिकारी आंदोलन पहले से ही हमारा आवाज़ दे रही है कि हम शांति वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इसका सवाल ये उठता है कि असलियत में इसका जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकारों का है। आज जमीन से आसमान से हर एक प्रकार से जनता के ऊपर, हमारा पार्टी जन आंदोलन के ऊपर हमलाए करते हुए, फर्जी मुठभेड़, फर्जी हत्याएं करते हुए, दिन ब दिन कैंपों को बिटाते हुए, कॉरपोरेट गवर्नमेंट के विकास के लिए, मुनाफे के लिए, आज इस दंडकारण्य में एक युद्ध की माहौल बना दिया है। पहले हमारा सवाल है कि शांति वार्ता के लिए सरकार इन सबका बंद करना होगा और कैंपों को स्थापित करना रोकना होगा और जनता के ऊपर, जन आंदोलन के ऊपर हर एक प्रकार का हमलों को तत्काल रोकना चाहिए, तभी शांति वार्ता संभव होगा। देखिए, शांति वार्ता की जहां पर बात आती है वहां लगातार जो सरकार है वो इस इलाके में बढ़ रही है, रोड, सड़क, पुल, पुलिये लगातार निर्माण हो रहे हैं, लेकिन आप लोग उन चीज़ों का विरोध करते हैं। आखिर आप इस चीज़ को अब कहते हैं कि हमें विकास चाहिए, इन ग्रामीण कहते हैं हमें विकास चाहिए, इनके पास ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, ना पुल पुलिये, लेकिन हमेशा ग्रामीण से जब भी हमारी बात है वे उस चीज़ों को मांग करते, लेकिन आप इस चीज़ के विरोध में रहते हैं, ऐसे क्यों? विकास का चेहरा तो 2 प्रकार का होता है, उनमें से एक है कॉरपोरेट गवर्नमेंट का विकास और दूसरा है जनता की मॉडल जो होता है उस तरह का विकास। तो आज सरकार कह रही है कि कॉरपोरेट गवर्नमेंट के विकास के रूप में रोड,
पुल पुलिया इन्हीं को विकास के नाम से प्रचार कर रही है। असलियत में हमारा पार्टी जनता ना क्रांतिकारी जनता ना सरकार जो विकास कर रहे हैं वो जनता के लिए सही तरीके से उनका जल जंगल जमीन और स्वास्थ्य सुविधाएं उनका इज्जत अधिकार के लिए जो जनता मानेगी उन जनता का राय से उनका विचार से ही इस विकास किया जा रहे हैं। इसी को हम सच्ची विकास मान रहे हैं। जिस तरीके से लगातार एक आते हैं जिस तरीके से खबरें जो आदिवासी इस इलाके के होते हैं लगातार वो जहां भी जाते हैं पुलिस मुखबिरी के नाम पर आप लोग उनकी हत्याएं कर देते हैं, क्या ये सरासर सही है? आप उनकी हत्याएं करते हैं? उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हम कहीं भी कभी भी कोई निर्दोष ग्रामीणों को आज तक मारे नहीं। इसमें जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, लेकिन एक सवाल मेरा अभी आया है, जिस तरीके से जो ग्रामीण चाहे बाजार हो या कुछ भी राशन पानी के लिए जाते हैं तो वहाँ से अगर पुलिस उनको उठाती है और उनके जो भी परिजन है उनको दबाव डालती है कि आप इनके इनपुट हमें दें मुखबिरी करें, तो उनकी तो ग्रामीणों की गलती वहाँ पर नहीं रहती, तो आप उन निर्दोष को क्यों हत्याएं करते हैं ऐसे निर्दोष आदिवासियों का? आप तो उनके हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो पार्टी जनता भी ये बोल रही है कि अगर जो जबरन से पुलिस मुखबिर बना दिया तो भी तो उन लोग आके जनता के सामने इस विषय को ईमानदारी से सामने रखे जनता के सामने, तब उनको कोई कार्रवाई नहीं लेंगे और उनको सही समझदार के साथ जीने के लिए मौका देंगे। जिस तरीके से लगातार इस इलाके में फोर्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, नए नए कैंप खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके संगठन को इस चीज़ का दबाव महसूस होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो आजकल का विषय नहीं है। दमन पहले से ही जारी है और अब भी जारी है और कल भी जारी रहेगा। तो इस दमन का जो जवाब होता है हमारा जनता की समस्याओं में और जनता की तकलीफों में है, और आज देश जो स्थिति में कड़ी है हर एक तकलीफ़ में हर एक समस्याओं को जूझ रही है, जो किसान हो मजदूर हो महिला अल्पसंख्यक उत्पीड़ित वर्ग हर एक तबका की जनता लोग जो स्थिति में खराब स्थिति में कड़ी है उन्हीं में हमारा ताकत है और हमारा जन आंदोलन का बुनियादी वही पे है और कोई असर नहीं होगा इस दमन का, हम माकूल जवाब देंगे। इस ड्रोन हमले को आप किससे जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? इसमें केंद्र सरकारों का दोनों का भी हाथ होता है, लेकिन हमारा देश में जो भाजपा 2014 में सत्ता में आया और दोबारा 2019 में आया, इस भाजपा को हम स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल साम्राज्यवादियों का पक्का एजेंट है और देश के लिए जनता के लिए बड़ी गद्दार साबित हो गया जनता के सामने। आतंकी भाजपा आरएसएस गुटों ने हमारे देश के ऊपर और जन आंदोलनों के ऊपर दमनात्मक तरीके से अलग अलग नीतियों को अमल करते हुए इस समाधान प्रहार के नाम से आज हमारा क्रांतिकारी आंदोलन के ऊपर एक बड़ा सैनिक अभियान को अंजाम दे रही है। तो हम कहेंगे इसका माकूल जवाब हमारा जन आंदोलन कल आजकल जरूर देगा और हमारा ये भरोसा है। चलिए, समय का अभाव है, ज़्यादा बातचीत इस वक्त हम आपसे नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें हैं। तो ये थे हमारे साथ अभी बने हुए थे विकास, जो कि डीकेएसजेडसी के मेंबर हैं। तो इनसे आपने जाना कि किस तरीके से इस इलाके में ड्रोन से जो हमला हुआ था वो कहां तक सिद्ध होता है। चेतन कापेवार, बीजापुर।